तो हम एंटीरियर पिट्यूटरी का पहला हार्मोन पढ़ते हैं जिसे हमने कहा है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, और जिसका मैंने आपको नाम बताया था सोमैटोट्रोपिन। और ये हमने देखा था कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी के एसिडोफिल्स सिक्रीट कर रहे हैं। तो इतनी बात, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि जो फर्स्ट हार्मोन है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जिसे आप सोमैटोट्रोपिन कह रहे हैं, उन्हें कौन प्रोड्यूस कर रहा है? एसिडोफिल। और इसके लिए बेसिकली GHRH आ रहा होगा हाइपोथैलेमस से और GHIH आ रहा होगा हाइपोथैलेमस से। GHIH को हमने और क्या कहा था? सोमैटोस्टैटिन कहा था। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी बात ये समझिए कि ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसका एक्चुअल फंक्शन क्या है। सो ग्रोथ हार्मोन का एग्जैक्ट फंक्शन क्या है? ग्रोथ हार्मोन कॉजेज ग्रोथ ऑफ, ऑब्वियसली बड़ा सिंपल सी बात लगती है, इट कॉजेज ग्रोथ ऑफ ऑल टिश्यूज ऑफ बॉडी दैट आर केपेबल ऑफ ग्रोइंग। सो प्लीज अंडरस्टैंड मैंने लास्ट में क्या लिखा है, दैट आर केपेबल ऑफ ग्रोइंग। सो हमने ये कहा कि ग्रोथ हार्मोन का काम ये है कि इट क्रॉजेज ग्रोथ ऑफ ऑल टिश्यूज ऑफ बॉडी दैट आर एक्चुअली केपेबल ऑफ ग्रोइंग। मैं आपको थोड़ा सा इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ बोन्स के हिसाब से। अगर मान लीजिए बोन्स का जो एंड है ये मान लीजिए एक बोन है जिसके ये दो एंड्स हैं, तो आप बचपन में अगर देखेंगे तो अर्ली एज में आप क्या देखेंगे, यंग एज में, कि ये जो बोन के एंड्स हैं ये इस बेसिकली शाफ्ट से फ्यूज नहीं हुए हैं। So the ends are not fused with the shaft of the bone. That I am talking of the very young age. इस टाइम पर अगर ग्रोथ हार्मोन आएगा सो इट इज केपेबल ऑफ इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द बोन बिकॉज इट इज केपेबल ऑफ ग्रोइंग इन लेंथ बिकॉज द एंड्स हैव नॉट फ्यूज्ड। लेकिन एडल्टहुड में आकर के आप क्या देखेंगे कि बोन के एंड्स आपस में क्या हो गए हैं, फ्यूज हो गए हैं। अब अगर ग्रोथ हार्मोन आएगा तो इसकी कैपेबिलिटी इज नॉट देयर टू इंक्रीज इन लेंथ, तो अब ग्रोथ हार्मोन इसकी लेंथ को इंक्रीज नहीं कर सकता। हां गर्थ को कर सकता है। किसको कर सकता है? गर्थ को कर सकता है। तो हम इस चीज को एक बार फिर समझ लेते हैं। हमने ये कहा कि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, इट कॉजेज ग्रोथ ऑफ ऑल टिश्यूज ऑफ बॉडी दैट आर केपेबल ऑफ ग्रोइंग। एंड व्हाट आर दीज टिश्यूज? दीज टिश्यूज विल बी बोन। मेन बीच में आ गया स्केलेटल। स्केलेटल अगर आप अपने हाथ को ऐसे पकड़े तो बीच में जो हार्ड पार्ट है उसको आप बोन कहते हैं, उसके पास जो कुछ भी है उसे आप कहते हैं सॉफ्ट टिश्यू। सो दैट मीन्स इन दो टिश्यूज की वो ग्रोथ कराता है, किस किस की? बोन की और साथ में सॉफ्ट टिश्यू की। सो तीसरी बार हम क्या कह रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन कॉजेज ग्रोथ ऑफ ऑल टिश्यूज ऑफ बॉडी दैट आर केपेबल ऑफ ग्रोइंग। एंड हम टिश्यूज की किसकी बात कर रहे हैं? बोन की। और बोन के सराउंडिंग में आपकी बॉडी का जितना भी टिश्यू है उसे हम क्या कह रहे हैं? सॉफ्ट टिश्यू। और ग्रोथ हार्मोन का दोनों के ऊपर इक्वल असर है, जितनी प्रोपोर्शनेट ग्रोथ करेगा। सो दैट मींस इट विल कॉज अ प्रोपोर्शनेट ग्रोथ ऑफ द बोन एंड द सॉफ्ट टिश्यू दैट इज सराउंडिंग इट। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। ऑब्वियसली दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ग्रोथ हार्मोन। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। और देखते हैं हम, इधर देखिए ग्रोथ हार्मोन की एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रोथ हार्मोन डज नॉट अफेक्ट मेंटल डेवलपमेंट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ग्रोथ हार्मोन किसको असर नहीं डालता है? मेंटल डेवलपमेंट पर असर नहीं डालता है। सो मेंटल डेवलपमेंट पे ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी असर नहीं डालेगी। सो फिजिकल ग्रोथ कम हो सकती है लेकिन मेंटल डेवलपमेंट विल बी नॉर्मल। ये क्वेश्चन बाद में बहुत काम आएगा। हम ये देखेंगे कि ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से ड्वार्फिज्म होता है और इस ड्वार्फ को हम पिट्यूटरी ड्वार्फ कहेंगे। मैं आपको दोबारा बताऊंगा इसको इन द लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर। सो ये जो पिट्यूटरी ड्वार्फ होता है ये मेंटली रिटार्डेड नहीं होता, ये बहुत इंटेलिजेंट है। जो आप अपने सर्कस वगैरह में जो नोम्स देखते हैं, छोटे छोटे लोग देखते हैं, किसी को हंसाना बहुत आसान काम नहीं है। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, ओनली एन इंटेलिजेंट पर्सन कैन मेक समबडी लाफ। और ये जब आपको हंसा पाते हैं तो आप समझ रहे हैं कि इन लोगों की मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, ये नॉर्मल डेवलपमेंट है। लेकिन हम एक और चीज देखेंगे, जो क्रेटिन होता है, जो कि थायराइड का ड्वार्फ होता है। सो थायराइड अफेक्ट डालता है किसके ऊपर? मेंटल डेवलपमेंट पे। इसीलिए पिट्यूटरी ड्वार्फ और थायराइड ड्वार्फ में एक ही डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं कि पिट्यूटरी ड्वार्फ मेंटली क्या होगा? नॉर्मल होगा। लेकिन थायराइड ड्वार्फ जिसे आप क्रेटिन कह रहे हैं वो मेंटली क्या होगा? रिटार्डेड होगा। सो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई कि ग्रोथ हार्मोन एक्चुअली करता क्या है और क्या नहीं करता है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। ये क्वेश्चन हमने इसलिए किया क्योंकि ये एंट्रेंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा जब हम डिफरेंशिएट करेंगे पिट्यूटरी ड्वार्फ को और थायराइड ड्वार्फ को। अब एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, इधर देखिए बड़े ध्यान से। इसके लिए ग्रोथ कॉज करने के लिए ग्रोथ हार्मोन के कुछ मेटाबॉलिक फंक्शंस होने चाहिए।
सो अब हम ये देख रहे हैं कि ग्रोथ हार्मोन मेटाबॉलिक लेवल पर क्या काम कर रहा है। सो एक बात तो मुझे समझ में आ गया, मैंने कह दिया कि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, बोन की ग्रोथ कराता है, उसके आसपास की सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ कराता है, लेकिन ये ग्रोथ होती कैसे है, इसके पीछे वो कौन से मेटाबॉलिक फंक्शंस है ग्रोथ हार्मोन के जो इन्वॉल्व्ड है। आप जानते हैं सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इन योर बॉडी इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म में दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक को आप कहते हैं एनाबॉलिज्म और दूसरे को आप कहते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में आप किसी चीज को तोड़ते हैं और बिल्डअप करने के काम को क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म। तो एक जनरल बात तो हर एक बच्चे की ये समझ में आ गई होगी कि ग्रोथ हार्मोन शुड जनरली प्रमोट दी एनाबॉलिक फंक्शंस। एनाबॉलिक का मतलब है बिल्डिंग अप, किसी छोटी चीज से बड़ी चीज के बनाने को आप क्या कहेंगे, बिल्डिंग अप कहेंगे। और एक बात मेरे को क्लियर हो गई कि अगर ग्रोथ करना है तो एनाबॉलिज्म होना चाहिए। और दूसरी चीज मैं एक बहुत अच्छे से जानता हूं कि ग्रोथ बेसिकली किसकी वजह से होती है, प्रोटीन्स की वजह से होती है। सो दैट मींस कि प्रोटीन का जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन का मतलब हो गया प्रो मतलब हो गया समथिंग विच इज ऑफ फर्स्ट इंपॉर्टेंस। सो जो आप बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड्स, उसमें प्रोटीन इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि प्रोटीन जो है वो फर्स्ट इंपॉर्टेंस का बायो मॉलिक्यूल है। उसकी वजह यह है कि यह आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है और आपकी बॉडी के करीब करीब सारे फंक्शंस को भी कैरी आउट करता है। सिंपल सी बात एक छोटी सी ये समझ लीजिए कि जितने भी एंजाइम्स है ऑलमोस्ट ऑल enzymes are proteins and there is no uncatalyzed reaction in a living system. So living system में जितने भी chemical reactions हो रहे हैं सबके सब catalyze होते हैं किससे, enzyme से। That is why enzyme is called as a biochemical catalyst and virtually all enzymes barring a few ribozymes, all enzymes are actually proteins and proteins are also involved in the formation of the structure of the body. So जब protein ने body का structure बनाना है तो मुझे protein anabolism को favor करना पड़ेगा। तो एक बात मुझे समझ में आ गई कि growth hormone के metabolic फंक्शन में प्रोटीन पे इसका असर ये होगा कि इट विल प्रमोट प्रोटीन एनाबॉलिज्म एंड इट विल रिटार्ड प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। दिस इज वेरी वेरी सिंपल, दिस इज सिंपल लॉजिक। अगर आपने ग्रोथ में किसको ऐड करना है, प्रोटीन को ऐड करना है, तो प्रोटीन एनाबॉलिज्म को इसको क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, और प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को क्या करना चाहिए, रिटार्ड करना चाहिए। और जब मैं कह रहा हूं प्रोटीन एनाबॉलिज्म, प्रोटीन बनाना, तो आपको पता है कि आपकी बॉडी में डीएनए के ऊपर एक जेनेटिक कोड है। जेनेटिक कोड में आपके जो कोडोन्स होते हैं दे स्पेसिफाई दी अमाइनो एसिड, वो जेनेटिक कोड को आप ट्रांसक्राइब करते हैं इनटू अ मैसेंजर आरएनए और वो मैसेंजर आरएनए राइबोसोम पर जाता है मैसेज को लेकर के, और राइबोसोम पर इस मैसेज को पढ़ा जाता है, और इस मैसेज के पढ़ने के हिसाब से आप लाइन से क्या लगा देते हैं, अमीनो एसिड्स, और उनके बीच में बनाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। दिस इज हाउ द प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन योर बॉडी। सो एनी एस्पेक्ट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रोथ हार्मोन। सो एग्जामिनर आपसे एंट्रेंस में केवल इतनी बात नहीं कह सकता कि इट प्रमोट्स प्रोटीन सिंथेसिस, वो इस बात को ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन तक ले जा सकता है। सो आप ये जानते हैं कि प्रोटीन बॉडी में कैसे सिंथेसिस होता है और प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन एनाबॉलिज्म के हर एस्पेक्ट को फेवरेबली कौन इफेक्ट करेगा, ग्रोथ हार्मोन करेगा। सो पहला मेटाबॉलिक फंक्शन मुझे ग्रोथ हार्मोन का एब्सोल्युटली क्लियर है। नंबर टू व्हाट हैपेंस टू द लिपिड्स। सो अगर आप मेटाबॉलिक फंक्शन देख रहे हैं तो आपको तीन चीजों पर देखना पड़ेगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म पे इसका क्या असर है। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे मैंने असर देख लिया, अब मैं क्या देख रहा हूं, लिपिड मेटाबॉलिज्म। इट कॉजेज लिपोलाइसिस एडिपोज टिश्यू में, ये क्या कॉज करेगा, लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस का मतलब इट विल मोबिलाइज फैट और ये फैट को तोड़ेगा, तो ये फैट को तोड़ेगा, फैट को मोबिलाइज करेगा ताकि आप फैट से क्या लेना शुरू कर दें, एनर्जी लेना शुरू कर दें। तो इसका मतलब प्लाज्मा में फ्री फैटी एसिड्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, और सेल्स को वो ये कहेगा कि आप एनर्जी किससे लीजिए, फैट से लीजिए। प्लीज अंडरस्टैंड प्रोटीन के बहुत सारे काम है, प्रोटीन आपका मैंने फिर आपसे कह रहा हूं फर्स्ट इंपॉर्टेंट बायो मॉलिक्यूल है। प्रोटीन से आप एनर्जी भी ले सकते हैं, ये हम देख चुके हैं, हम जानते हैं क्रेब साइकिल एम्फीबॉलिक पाथवे में हमने देखा है कि अगर आपने प्रोटीन को क्या, प्रोटीन से क्या लेना है, एनर्जी लेनी है, तो आपको प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ना पड़ेगा और अमीनो एसिड को उस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वाले पाथवे में कहीं ना कहीं घुसना पड़ेगा, और तब जाकर के आप प्रोटीन से भी क्या ले सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोटीन से और काम ना करा के उससे क्या ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ वेस्ट ऑफ प्रोटीन।
मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको प्रोटीन से एनर्जी लेनी पड़ रही है तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में मैं ये कहूंगा कि आप प्रोटीन विच इज समथिंग ऑफ फर्स्ट इंपॉर्टेंस, जिसने जिसने एंजाइम्स का काम करना है, जो कि एंटीबॉडीज हैं, जो कि बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं, हीमोग्लोबिन है, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट कैरियर का काम करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, अगर इतने इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल को आप किस लिए यूज कर रहे हैं कि आपको इससे क्या लेनी पड़ रही है एनर्जी, तो ये वेस्ट है। तो आपको इसीलिए प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को रोकना पड़ेगा। प्रोटीन कैटाबॉलिज्म की वजह तब बनेगी जब आपको प्रोटीन से क्या लेना पड़ेगा, एनर्जी लेनी पड़ेगी। तो इसलिए ग्रोथ हार्मोन को, इस प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को क्या करना है, रिटार्ड करना है। और उसने मोबिलाइज किसको कर दिया, लिपिड को, ताकि सेल्स को क्या मिलते रहे, फैटी एसिड। और उन्होंने ये कहा कि आप फैटी एसिड से क्या लेते रहिए, एनर्जी लेते रहिए। तीसरा, ये बात बड़े ध्यान से समझिएगा कि व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। नाउ आई विल टेक सम टाइम एक्सप्लेनिंग दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बड़े ध्यान से समझिए। इधर देखिए, आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, मैं थोड़ा सा इस टॉपिक से हटके आपको कुछ मेटाबॉलिक बात बता रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। आपके ब्लड में कम 70 mg/cl ग्लूकोज होना चाहिए। आप जानते हैं फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कितना होता है, 70 to 100 mg। सो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 70 mg/cl है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, किसी भी कीमत पर आपको आपके ब्लड में, अगर हेल्दी आदमी की मैं बात कर रहा हूं, मिनिमम ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना मेंटेन करना है, 70 mg/cl। अब स्वाभाविक क्वेश्चन ये है कि क्या जरूरत है ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने की। उसकी वजह यह है कि न्यूरॉन्स जो हैं वो जनरली खाली और खाली क्या यूज करते हैं, ग्लूकोज यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में। सो इसका मतलब न्यूरॉन्स को अपनी एनर्जी करीब करीब हमेशा और हर टाइम, ज्यादातर टाइम किससे चाहिए, ग्लूकोज से चाहिए। और आप ये जानते हैं कि अगर न्यूरॉन्स को ग्लूकोज नहीं मिलेगा और न्यूरॉन डैमेज होना शुरू हो गए तो न्यूरॉन का डैमेज परमानेंट होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि न्यूरॉन को ग्लूकोज मुझे देना पड़ेगा, इसीलिए मुझे ब्लड में ग्लूकोज लेवल किसी भी कीमत पर मेंटेन करना है। अब मान लीजिए आपने खाना खाया सुबह, तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 140 के आसपास हुआ, थोड़ी देर में आपने बहुत सारे ग्लूकोज का क्या बना के रख दिया, ग्लाइकोजन बना के रख लिया, उसके बाद में आप कहीं काम पर चले गए, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन लिवर के ग्लाइकोजन को आपने किस में कन्वर्ट करते चले गए, ब्लड ग्लूकोज में, और आपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन किया, लेकिन ग्लाइकोजन ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट से 1 आवर का आपके पास स्टोर होता है, वो भी खत्म हो गया। अब कैसे ग्लूकोज मेंटेन होगा, क्योंकि न्यूरॉन को तो केवल क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो ऐसे टाइम पर आपको प्रोटीन तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि प्रोटीन या अमीनो एसिड इज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। दैट मींस ग्लूकोनियोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, एंड प्रोटीन्स कैन बी अ सोर्स फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो आपकी मजबूरी बन जाएगी क्या तोड़ना, प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन को तोड़ के आप क्या बना सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं, और ग्लूकोज से आपको क्या मिल जाएगी, एनर्जी, क्योंकि और ये ग्लूकोज किसको मिल जाएगा, न्यूरॉन्स को मिल जाएगा। तो आपको ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन समझ में आ रही है कि मुझे किसी भी कीमत पर ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना मेंटेन करना है, 70 mg/cl करना है। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो मेरी बॉडी क्या तोड़ना शुरू कर देगी, प्रोटीन तोड़ना शुरू कर देगी। सो जब भी मेरी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा तो बॉडी में क्या टूटेगा, प्रोटीन टूटेगा। प्रोटीन किस में इन्वॉल्व होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस में, क्योंकि मेरे लिए इंपेरेटिव है कि मैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करूं, और अगर मैं प्रोटीन तोड़ रहा हूं ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए तो ग्रोथ पे नेगेटिव असर आएगा। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, दिस पैराडॉक्स, एंड दिस पैराडॉक्स takes me to this function of growth hormone on the carbohydrate metabolism, that it actually retards the use of glucose by body cells. मैं न्यूरॉन्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाकी बॉडी सेल्स की बात कर रहा हूं जिनकी कैपेबिलिटी है कि वो किससे ले सकते हैं, फैट से ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जनरल बॉडी सेल्स को ये कहा कि आप ग्लूकोज इस्तेमाल मत कीजिए। जब आप ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा सेल के अंदर नहीं जाएगा, तो ज्यादातर देर तक क्या बढ़ा रहेगा, ब्लड ग्लूकोज बढ़ा रहेगा, और इसकी वजह से न्यूरॉन को क्या मिलता रहेगा, ग्लूकोज मिलता रहेगा, और न्यूरॉन को ग्लूकोज मिलता रहेगा तो न्यूरॉन ये सिग्नल सेल को नहीं भेजेंगे कि आप प्रोटीन तोड़िए ग्लूकोज बनाने के लिए ताकि मुझे ग्लूकोज मिलता रहे। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराडॉक्सिकल टाइप ऑफ थिंग। नॉर्मली हम ये समझते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट से इसको क्या करना चाहिए, एनर्जी लेनी चाहिए ताकि प्रोटीन बच जाए, लेकिन अगर आपने कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेनी शुरू कर दी सारे सेल ने तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा और आपको क्या तोड़ना पड़ जाएगा, प्रोटीन। सो दैट मींस नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट आर द मेटाबॉलिक एक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन ऑन दीज मेटाबोलाइट्स। प्रोटीन में, जैसा मैंने आपसे कहा, इट प्रमोट्स प्रोटीन एनाबॉलिज्म एंड रिटार्ड्स प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। सेकंड, मैंने लिपिड्स में आपसे यह कहा कि इट कॉजेज लिपोलिसिस, और ये
ये जो है बेसिकली फैट को मोबिलाइज करता है, फैटी एसिड आपके ब्लड में आएगा और इससे आपको क्या कह रहा है कि आप एनर्जी लीजिए। तीसरी चीज हमने क्या कहा कि कार्बोहाइड्रेट पे इट एक्चुअली रिटार्ड्स द यूज ऑफ ब्लड ग्लूकोज ऑफ ग्लूकोज बाय बॉडी सेल्स सो दैट द ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन्स मोर एलिवेटेड फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड देयरफॉर द न्यूरॉन्स गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इट। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के फंक्शनिंग की एक बड़ी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। सो इसके लिए लेट अस फर्स्ट लुक एट अ डायग्राम और देन आई विल एक्सप्लेन ऑन द बोर्ड इटसेल्फ। पहले एक डायग्राम देख लेते हैं जो मैं आपको बताता हूं कि ग्रोथ हार्मोन के एक्शंस। इधर देखिए, ये हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया होगा GHRH। ये GHRH आया होगा कहां पर? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज किया होगा ग्रोथ हार्मोन। इसके कुछ ग्रोथ प्रमोटिंग एक्शंस देख रहे हैं और कुछ एंटी इंसुलिन इफेक्ट्स आप देख रहे हैं। एंटी इंसुलिन इफेक्ट्स में आप देख रहे हैं एडिपोज टिश्यू पर और आप देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर। एडिपोज टिश्यू पर आप ये देख रहे हैं, यहां लिखा है इंक्रीज लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस जो मैंने आपको बताया था फैट का हाइड्रोलिसिस कराता है, फैट को तोड़ता है, जिसकी वजह से फ्री फैटी एसिड क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे और ये अवेलेबल हो जाएगा सेल के एनर्जी के लिए। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में आप ये देख रहे हो इट प्रमोट्स डिक्रीज्ड यूज ऑफ ग्लूकोज बाय बॉडी सेल्स एंड दिस विल लीड टू एन इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। सो दैट मींस दीज आर एंटी इंसुलिन इफेक्ट। प्लीज अंडरस्टैंड, इंसुलिन का काम यह है कि वो ब्लड ग्लूकोज को कम करता है और फैट को स्टोर कराता है। ग्रोथ हार्मोन उल्टा कर रहा है। ग्रोथ हार्मोन कार्बोहाइड्रेट पे क्या कर रहा है कि वो ब्लड ग्लूकोज को लेवल को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है और एडिपोज टिश्यू में जो स्टोर्ड फैट है उसको तोड़वा रहा है। ये दोनों मेटाबोलाइट्स पे ग्रोथ हार्मोन का असर इंसुलिन से उल्टा है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट हैज एन एंटी इंसुलिन इफेक्ट्स। और अगर आप दूसरा देखें जो ग्रोथ प्रमोटिंग इफेक्ट्स है, इसमें आप ये देखिए कि टारगेट सेल्स जो बोन और सॉफ्ट टिश्यू है उस पे ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली एक्ट नहीं कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है किसके ऊपर? लिवर के ऊपर। और लिवर उसकी मदद से कुछ स्मॉल प्रोटीन्स बनाता है जिसे हम कहते हैं IGF-1 या इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स एंड दीज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स विल एक्ट ऑन द बोन्स एटसेट्रा और वो बोन पार्ट को और जो सॉफ्ट टिश्यू है उसके मसल मास को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। सो आई होप दिस थिंग, दिस कॉम्प्लेक्सिटी हैज बीन अंडरस्टूड बाय एवरी स्टूडेंट। तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि ग्रोथ हार्मोन के जो ग्रोथ वाले असर है, जो ग्रोथ प्रमोटिंग असर है, वो ये है कि जब ग्रोथ हार्मोन आता है तो वो सबसे पहले एक्ट करता है लिवर पे और लिवर इससे स्टिमुलेट होकर के कुछ क्या बनाता है, छोटे छोटे प्रोटीन। इनको किसी टाइम पे सोमैटोमिडिन्स कहा जाता था, आज हम इनको कह रहे हैं IGF-1। IGF-1 का मतलब हो गया इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स और ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स जाकर के एक्ट करेंगे बोन पर और किस पर एक्ट करेंगे, सॉफ्ट टिश्यू पर, और इनकी क्या कॉज करेंगे, ग्रोथ कॉज करेंगे। सो एक एस्पेक्ट तो ये हो गया ग्रोथ हार्मोन के एक्शंस का कि वो लिवर के थ्रू एक्ट कर रहा है। तो इसीलिए अगर लिवर किसी का खराब है और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर नहीं बन रहे हैं, इट इज अ वेरी वेरी रेयर कॉज ऑफ ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म की एक वजह यह भी हो सकती है कि ग्रोथ हार्मोन तो एडिक्वेट आ रहा है लेकिन लिवर क्या प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो यह बड़ी रेयर कॉज हो सकता है ड्वार्फिज्म का। इसे हम लेवी लोरैन ड्वार्फ कहते हैं। एक बार मैं आपको ये बहुत सजेस्ट करूंगा कि आप ये थोड़ी स्पेलिंग एक बार जरूर चेक कीजिएगा कहीं से, लेवी लोरैन ड्वार्फ। आई एम नॉट वेरी गुड एट स्पेलिंग्स, सो इसको हम कहते हैं लेवी लोरैन ड्वार्फ। और ये लेविन लोरैन ड्वार्फ इसलिए होगा कि लिवर एक्चुअली क्या नहीं बना पा रहा है, सोमैटोमेडिन्स नहीं बना पा रहा है। इट विल बी अ वेरी वेरी रेयर कॉज ऑफ ड्वार्फिज्म। दूसरी हमने ये कहा कि ग्रोथ हार्मोन के कुछ एंटी इंसुलिन इफेक्ट्स हैं। एंटी इंसुलिन इफेक्ट्स हैं। एंटी इंसुलिन इफेक्ट्स हमने देखे एक तो फैट मेटाबॉलिज्म पर, हमने ये कहा कि फैट को इसने तोड़वाया है, हाइड्रोलिसिस कराया, ये उल्टा है इंसुलिन से। और दूसरा हमने देखा कार्बोहाइड्रेट पे, इसने रिटार्ड कराया है यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय बॉडी सेल्स, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। दिस इज व्हाट द फंक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इज। सो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इस ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस क्या हैं। एक और बात समझिए, ग्रोथ हार्मोन इज कैरेक्टरिस्टिकली इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 hours ऑफ स्लीप। सो ग्रोथ हार्मोन की जो हमने ये देखा है कि ग्रोथ हार्मोन का जो सर्कैडियन रिदम है, जो रिदम है उसके सिक्रीशन का, हम ये देखते हैं कि ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बनता है पहले 2 hours में स्लीप के।
तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जस्ट आई वॉज वंडरिंग कि कैन वी कोरिलेट दिस विद द इन्फेंट स्लीप पैटर्न. इन्फेंट की एज में सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है. तो आपने देखा होगा छोटा बच्चा 2-3 घंटे सोता है, फिर उठता है, फिर फीड करता है, फिर 2-3 घंटे सो जाता है. सो जस्ट अ वेग थिंकिंग वेदर इट इज इट हैज समथिंग टू डू विद दैट अडेप्टेशन और नॉट. जस्ट थिंक ओवर इट. आप थोड़ा सा इस चीज को सोचने की कोशिश कीजिएगा. सो इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि ग्रोथ हार्मोन क्या कर रहा है. अब हम ये देखते हैं कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन की एबनॉर्मैलिटीज कहां है. सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन विल बी दैट व्हाट आर द एबनॉर्मैलिटीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन. सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर वुड बी द एबनॉर्मैलिटीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन. एबनॉर्मैलिटीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन. सो एबनॉर्मैलिटीज में बड़ी कॉमन सी बात है, दो तरह की एबनॉर्मैलिटीज हो सकती हैं. देयर मे बी अ हाइपोसिक्रीशन. हाइपोसिक्रीशन का मतलब है सिक्रीशन कम हो गया. देयर मे बी अ हाइपरसिक्रीशन. हाइपरसिक्रीशन मतलब क्या हो गया, ज्यादा हो गया. इसकी ज्यादातर वजह बनेगी एसिडोफिल ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी. ट्यूमर इज नॉट नेसेसरीली कैंसर. प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ट्यूमर एंड कैंसर. सो एसिडोफिलिक ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी विल लीड टू हाइपरसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन और देयर मे बी अ हाइपोसिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन एज वेल. अब कम भी हो सकता है ग्रोथ हार्मोन और ज्यादा भी हो सकता है. ये दो एबनॉर्मैलिटीज हो सकती है ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन की. अब डिपेंड ये करता है कि इसकी टाइम क्या है. इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ की किस स्टेज में हाइपो या हाइपर सिक्रीशन हो रहा है. सो अगर हम ये कहते हैं कि ये हाइपो सिक्रीशन कब हो रहा है, एडल्ट्स में हो रहा है, तो जो क्लास 12th के बच्चे हैं, जो नीट एग्जाम दे रहे हैं, उनके लेवल पर मैं आपसे कहूंगा कि बहुत ज्यादा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसकी नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम ग्रोथ अब तक अचीव हो चुकी होगी. हालांकि कुछ असर जरूर होगा, लेकिन जिस लेवल पर हम बात कर रहे हैं, हम यहां पर केवल इस बात से संतुष्ट हैं कि अगर हाइपो सिक्रीशन किस में हुआ है, एडल्ट में, जबकि मैक्सिमम ग्रोथ मैक्सिमम ग्रोथ हो चुकी है, तो इसका कोई बहुत ज्यादा क्लिनिकली सिग्निफिकेंट असर नहीं आएगा. असर आएगा तब अगर ये कब हुई है, चाइल्डहुड में हुई है. सो इफ द ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी इन चाइल्डहुड, देन इट बिकम्स सिग्निफिकेंस. इस टाइम पर होगा ड्वार्फिज्म. और इस ड्वार्फिज्म को इसको हम कहेंगे पिट्यूटरी ड्वार्फ. और पिट्यूटरी ड्वार्फ के बारे में दो बात मैं आपको बता दूं कि नंबर वन, एक तो ये प्रोपोर्शनेट ड्वार्फ होता है. प्रोपोर्शनेट ड्वार्फ का मतलब ये है कि जितनी स्केलेटल ग्रोथ कम हो रही है, उतनी ही सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ कम हो रही है. और दूसरा, ये मेंटली रिटार्डेड नहीं है. इसकी मेंटल डेवलपमेंट इज करेक्ट, इज ओके. सो प्लीज अंडरस्टैंड दीज टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे थायराइड ड्वार्फ से. सो सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स इन चाइल्डहुड causes cretinism. Cretinism में समस्या ये है कि वो disproportionate dwarf होता है. इसका मतलब ये है कि उसकी skeletal growth ज़्यादा कम होती है बजाय soft tissue growth के. और दूसरा, वो mentally क्या होता है, retarded होता है. तो पहली बीमारी हमें समझ में आ गई कि childhood में growth hormone की deficiency से क्या हो सकता है, dwarfism हो सकता है. अब हम बात करेंगे किसकी, hyper secretion of the growth hormone. So hyper secretion of the growth hormone, the reason would be acidophil tumor. Now please understand this hyper secretion, अगर ये किस में हो गया है, चाइल्डहुड में हो गया है. अगर ये चाइल्डहुड में हो गया है, देन इट कॉजेज जाइजेंटिज्म. सो प्लीज अंडरस्टैंड इट कॉजेज जाइजेंटिज्म. आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनको, आपने बीबीसी पर एक प्रोग्राम आया था, उसमें सुपर बेबीज करके आया था. देवर जायंट बेबीज, बहुत बड़े बड़े लोग थे. तो उनके ऊपर एक प्रोग्राम आया था, अगर आपने कभी देखा हो. तो ये जो एबनॉर्मल ग्रोथ वाले लोग हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं, दे आर पिट्यूटरी जॉइंट्स. इनमें ग्रोथ हार्मोन एक्चुअली क्या हुआ है, एबनॉर्मली सिक्रीट किस में हुआ है, चाइल्डहुड में. इट कॉजेज जाइजेंटिज्म. नाउ लेट अस लुक एट व्हाट happens if the growth hormone hypersecretion occurs in adulthood. अगर ये किस में हो रहा है, एडल्टहुड में हो रहा है, तब हम देखते हैं कि क्या होता है. एडल्टहुड में अगर होगा, तो मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ तो बोन की लेंथ की हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हमने देखा था कि बोन के एंड्स क्या हो गए हैं, आपस में फ्यूज हो गए हैं. लेकिन बोन की क्या बढ़ सकती है, गर्थ बढ़ सकती है. सो अगर फीमर की गर्थ बढ़ गई तो आपको पता नहीं चलेगा. लेकिन थिंक अबाउट द फिंगर्स. अगर आप फिंगर जैसी सुपरफिशियल बोन की बात करें, तो आपको ये मोटी मोटी फिंगर्स दिखाई देंगी, और साथ में जो सॉफ्ट टिश्यू है वो लटका हुआ दिखाई देगा. देयर विल बी अ डिस्प्रोपोर्शन, देयर विल बी
यहाँ पर तो बहुत ज्यादा मोटी मोटी फिंगर्स और ये ज्यादा हो जाएगा सॉफ्ट टिश्यू। इसी तरह अगर आप फेशियल फीचर्स की बात करें तो फेशियल फीचर्स में आपको प्रोमिनेंट ब्राउ दिखाई देगा। नंबर दो, ये फ्लेयरिंग ऑफ द नोज दिखाई देगी, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये फ्लेयर्ड अप हो जाएगा। टंग का साइज बड़ा हो सकता है, सो मैक्रोग्लॉसिया इसकी वजह से हो सकता है, उसको मुंह खोल के रहना पड़े। और प्रोग्नैथिज्म का मतलब ये हुआ कि अगर आप साइड से देखेंगे तो जॉ कहां निकला हुआ होगा, आगे निकला हुआ होगा। तो बड़ी पिक्यूलियर एक फेशियल एक्सप्रेशन वाली पिक्चर आती है और इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्रोमेगैली। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइंड यू ऑफ मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स। सो एक और डिजीज हमने करी है, उस डिजीज को हमने क्या कहा है, एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली इज कॉज्ड बाय हाइपर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इन एडल्टहुड। अब अगर एक बार हम डायग्राम्स को देखें, अगर हम डायग्राम को देखें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग डायग्राम एक अभी पीछे इंटरनेट पर आया था। इसमें आप देख रहे हैं वर्ल्ड का जो टॉलेस्ट आदमी है और वर्ल्ड का जो शॉर्टेस्ट आदमी है, इनकी साथ में फोटोग्राफ है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज अ पिट्यूटरी ड्वार्फ एंड दिस पर्सन इज अ पिट्यूटरी जॉइंट। सो ये पिट्यूटरी जॉइंट है, प्रोबेबली दिस पर्सन वॉज फ्रॉम चाइना और प्रोबेबली दिस वन वॉज फ्रॉम चाइना एंड सम अरब कंट्री, आई एम नॉट एब्सोल्युटली श्योर। यू आर एनकरेज टू सी द इंटरनेट एंड दिस इज अ पिट्यूटरी जॉइंट एंड दिस पर्सन इज पिट्यूटरी ड्वार्फ। सो अगर आपने ये देख लिया है तो दूसरी चीज एक और देखिए, अगर मैं एक्रोमिगैली की जब मैं बात कर रहा था, एक्रोमिगैली में मैंने आपसे कहा बड़े पिक्यूलियर फीचर्स आएंगे, इंक्रीज फ्रंटल बॉसिंग, फ्रंटल बोन आपको प्रोमिनेंट दिखाई देगी, मैंने आपसे कहा था ब्राउ में फरो दिखाई देगा, एनलार्जमेंट ऑफ द बेस ऑफ द नोज, ये आप देख रहे हैं इस तरफ नॉर्मल फेशियल फीचर है, इस तरफ एक्रोमिगैली के हैं, थिकिंग ऑफ द लिप्स, इसी तरह से लार्ज टंग हो सकती है, पैरोटिड ग्लैंड बड़ा हो सकता है। तो ये सारे के सारे फीचर्स, ये जो पिक्यूलियर फेशियल फीचर्स हैं, इसके अलावा जो उंगलियां हैं हाथ की वो मोटी मोटी दिखाई देंगी और आप ये देख रहे हैं प्रोग्नैथिज्म, ये नॉर्मल जॉ है और ये जॉ बोन आगे की तरफ प्रोट्रूड कर रही है, इस चीज को हम कहते हैं प्रोग्नैथिज्म। दिस इज अ वेरी पिक्यूलियर फीचर ऑफ एक्रोमिगैली विच इज कॉज्ड बाई द हाइपर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इन एडल्टहुड। अब इस हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की एक और बात समझ, पिट्यूटरी का चारों तरफ एक कैप्सूल होगा, उसमें कुछ सेल्स का ट्यूमर हो गया, वो सेल्स क्या होना शुरू होंगे, इंक्रीज होना शुरू होंगे नंबर में और आसपास के सेल्स को क्रश कर देंगे। सो प्लीज अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पिट्यूटरी जॉइंट्स। पिट्यूटरी जॉइंट्स में गोनेडल फेलियर होगा, क्योंकि क्या होगा कि ये जो गोनेडोट्रोपिन्स हैं, इनके जो प्रोड्यूस करने वाले सेल हैं, ये क्या हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स क्या हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं। सो पिट्यूटरी जो जॉइंट्स होते हैं और जो बच्चे होते हैं, उनमें केवल प्रॉब्लम ये नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया, उनमें प्रॉब्लम ये है कि एंटीरियर पिट्यूटरी के बाकी हार्मोन्स की क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। इसीलिए इन बच्चों की जो जनरली लाइफ स्पैन है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है। एंड बिलीव मी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली ट्रीट बाय सर्जरी दीज टाइप ऑफ पेशेंट्स, लेकिन कोशिश की जाती है ऑब्वियसली, लेकिन इस तरह के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट उतना आसान नहीं होता। तो आपको यह समझ में आ गया कि जॉइंट्स की एक प्रॉब्लम केवल ये नहीं है। और दूसरी एक और बात याद रखिएगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, तो ऐसे लोग जिनमें पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज्यादा क्या सिक्रीट कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन, उनमें ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या रह सकता है, हमेशा इंक्रीज रह सकता है। और इस कंडीशन को आप कह सकते हैं पिट्यूटरी डायबिटीज, आप इनको क्या कह सकते हैं, पिट्यूटरी डायबिटीज। आपने देखा था गोनेडल फेलियर, आपने देखा था थायराइड फेलियर, ये सारी चीजें किस में हो सकती हैं, जॉइंट्स में हो सकती हैं। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म में इसलिए, पिट्यूटरी डायबिटीज इसलिए क्योंकि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल क्रोनिकली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो अगर आप पिट्यूटरी डायबिटीज और पैंक्रियाटिक डायबिटीज में अंतर करना चाहते हैं, आप जानते हैं कि एक्चुअली जो डायबिटीज मेलिटस है वो इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होता है और इंसुलिन प्रोड्यूस करता है पैंक्रियास। सो क्लासिकल डायबिटीज इज एक्चुअली डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, that is because of the malfunctioning of the pancreas. So अगर आप ये देखना चाहते हैं कि डायबिटीज की वजह या तो पिट्यूटरी डायबिटीज है कि पैंक्रियाटिक डायबिटीज है, एक सिंपल टेस्ट ये हो सकता है, जस्ट गिव एन इंसुलिन इंजेक्शन, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया है तो दैट फेवर्स पैंक्रियाटिक डायबिटीज, और अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इट शुड बी पिट्यूटरी डायबिटीज। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो हमें ये समझ में आ गई है कि एबनॉर्मैलिटीज क्या है। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमने किसी पेशेंट को ये डायग्नोज कर दिया है कि उसमें ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन की एबनॉर्मैलिटीज हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इन 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 ह्यूमन बीइंग्स को हेल्प करने के लिए। तो हम बात करेंगे किसकी, हाइपो
सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन. सो हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन चाइल्डहुड में हुआ, क्या हो रहा है, ड्वार्फिज्म हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली आपको क्या दे देना चाहिए, ग्रोथ हार्मोन सप्लीमेंट देने चाहिए. आपको इस आदमी को क्या देना चाहिए, इस बच्चे को क्या देना चाहिए, ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन देने चाहिए. लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है जो मैंने छोटा सा एच लिखा था, तो मैंने आपको कहा था कि ग्रोथ हार्मोन आपको देना है, ग्रोथ हार्मोन की कमी है, आपने क्या देना है, ग्रोथ हार्मोन. दैट इज वेरी फेयर, इट इज प्लेन एंड सिंपल, आपको समझ में आ गया है, ट्रीटमेंट बहुत आसान है. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को आप केवल ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन से रिप्लेस कर सकते हैं. आज से कुछ साल पहले यह ग्रोथ हार्मोन मिलता कहां से था, यह ग्रोथ हार्मोन मिलता था डेड बॉडीज से, कैडेवर्स से, कैडेवर्स के पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट से आप क्या निकाल लेते थे, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन. लेकिन उनमें प्रॉब्लम यह हो रही थी कि अगर आपने कैडेवर्स से क्या निकाला है, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट निकाला है, इस पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट में यह होते थे, दिस इज कॉल्ड एज प्रायोन्स. Prions are infectious proteinaceous particle devoid of nucleic acid. So please understand, आज से कुछ साल पहले प्रॉब्लम ये थी कि आपको ग्रोथ हार्मोन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ही चाहिए. आपने डेड बॉडी के पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट में से प्यूरीफाई करके क्या निकाल लिया, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, उसके इंजेक्शन लगाने शुरू किए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर केसेज में उस तरह के पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट में क्या मिलता था, प्रायोन. और प्रायोन जो है वो इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस पार्टिकल है, दैट इज केपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज और इन्फेक्शन, एंड दे लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रूड्सफेल्ट-जेकब डिजीज. Creutzfeldt-Jakob disease. Human beings में इसे कहते हैं Creutzfeldt-Jakob disease. आप mad cow disease मत बोलिएगा, mad cow disease cow में होगी. Human beings में इसे हम क्या कहते हैं, CJD, Creutzfeldt-Jakob disease. और Creutzfeldt-Jakob disease में एक तरह की encephalopathy होती है और उसकी वजह से brain में degeneration होता है and the person dies invariably. So that means that was very tricky to treat the patient just few years back because of the problem of the prions. So now what we are doing, that we are making human growth hormone with the help of RDNA technology. RDNA technology हम कहते हैं recombinant DNA technology को, और इसको commonly हम दूसरे नाम से जानते हैं, वो है genetic engineering. और जैसा अगर इधर देखेंगे acidophil tumor है, तो मेरे पास एक ही तरीका बचता है कि मुझे इसको क्या करना है, operate करना है. अब brain के अंदर घुस के cella turcica में पहुंच के एक छोटे से gland में से acidophil tumor को operate करना, you can easily understand the surgeons have their handful on this. And this surgery still requires refinement, lot of robotics, lot of other type of technological advancements are there, yet the results may not be very 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 encouraging still. So I hope you have understood this very very important hormone, the first of the hormones that we have discussed. This is the human growth hormone. So when I come back, I will discuss prolactin and I will discuss the posterior pituitary hormones. Thank you.